Assalamu alaikum viewers, how are you all? Hope you all are fine. We are also fine. Alhamdulillah. थोड़ी दिन आप सुबह का सूरज निकल चुका है और बच्चा मेरा एक अदद उठ चुका है, जान उठ चुका है, उसने फजर की नमाज़ पढ़ी है और बाकियों को उठाना बाकी है। अभी इस वक्त हो रहा है 6:45 का वक्त और मुझे जाना है नीचे बच्चों का लंच बनाने के लिए। और बड़ा ही प्यारा सुहाना सा मंज़र हो रहा है, हल्का हल्का अंधेरा और खिलती हुई धूप और मेरी स्पीड ही था। तो आज सोचा बच्चों के लंच में बना के देती हूँ मैक्रोनी। बड़ी ही क्विक और झटपट सी रेसिपी है मैक्रोनी की और बहुत जल्दी बन जाते हैं, 5-10 मिनट में ये रेडी होते हैं। इसमें कोई दाम झाम नहीं, कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं, बहुत क्विकली बन जाते हैं। वैसे भी आपको पता है कि बच्चे चंक्स वगैरह खाते नहीं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, इसके चिकन भी समटाइम खाते हैं मैक्रोनी में और समटाइम नहीं खाते हैं। तो बहुत क्विक सी रेसिपी है कि जैसे इसको बॉयल कर लें मैक्रोनी को, मैक्रोनी बॉयल हो जाए, हमने उसको स्ट्रेन करा, उसके बाद हल्का सा ऑयल लिया, उसमें आप चाहें तो लहसुन डाल दें थोड़ा सा लहसुन डाल के, और ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट जो है मैक्रोनी को फ्राई करना है, टिक्का मसाला हर घर में मौजूद होता है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट टिक्का मसाला डालें, थोड़ा सा चिकन पाउडर डालें, मिक्स करें और झटपट से आपकी मैक्रोनी हो गए तैयार। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, इनफैक्ट जो छोटे बच्चे हैं ना मेरा और सुफियान जैसे, ये बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो झटपट क्विक रेसिपी बच्चों को बना कर देती हूँ, बच्चे इसको पसंद भी करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपके बच्चे भी पसंद करेंगे। अगर चिकन पसंद करते हैं तो आप चिकन भी डाल सकते हैं, सॉसेजेस वगैरह भी, एक्स वाई जेड जो भी आपको पसंद हो। मैं तो क्विकली बनाने के लिए इसको झटपट ऐसे ऐसे बनाती हूँ, तो अच्छे लगते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ बस बच्चे को तैयार करके कर दिया था स्कूल रवाना ना, बच्चे जा चुके थे, साथ साथ बच्चों के बाबा भी जा चुके थे। और यहाँ मैं जब सफाई कर रही थी गैलरी में तो मुझे मिला सरप्राइज़, और बहुत बहुत सरप्राइज़ सरप्राइज इज डैड के उस बनाना ट्री पे आ चुके थे बनानास, बहुत सारे बनाना आ चुके थे माशाल्लाह। फ्लावर है बनाना फ्लावर, और ये देखिए कितने सारे बनाना आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज था फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के दिन हर काम बड़ा ही क्विकली करना पड़ता है, क्योंकि फ्राइडे का दिन मुझे लगता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत तेज़ी से वक्त गुजरता है। और यहाँ मैं बनाई थी लंच, लंच में बनाई थी मैं मसाले वाली मसूर की दाल, और मेरी स्पीड थी कुछ यूँ। अपनी स्पीड को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने कहा कि आज कुकर में बनाऊंगी दाल, और वैसे भी मसाला वाली दाल कुकर में बनाती हूँ क्योंकि मसाला डलता है, खूब सारे टमाटर डलते हैं, तो अगर कुकर यूज़ ना करो तो दाल अकड़ी अकड़ी सी लगती है, सही से गलती नहीं है। और कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको, बहुत से लोग कुकर यूज़ करते हैं डरते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि कुकर यूज़ करने के लिए सबसे पहले कुकर की सफाई होना ज़रूरी है, उसकी बेल्ट लाजमी निकाल के उसको साफ़ करें, उसकी जो विसल जो होती है विसल को भी अच्छे से अंदर से साफ़ करें खूब। अगर कोई भी चीज़ अगर फंसी हुई हो उसके अंदर तो जानलेवा भी साबित हो सकता ही है। कुकर फटने का डर होता है तो इसलिए बहुत एहतियात ज़रूरी है। और अगर कुकर सही से बंद ना हो तो तब भी जो है कहते प्रेशर नहीं बनता है, और सही से आपका कुकर यूज़ करने का मकसद धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कुकर यूज़ करते वक्त एहतियात लाजमी है, बेल्ट उसकी टाइट होनी चाहिए। और यूँ 15 मिनट में झटपट मेरी दाल बन के हो गई थी तैयार, बड़ी ज़बरदस्त थी। और कुकर में बनने के का ये फ़ायदा ही होता है कि इसमें घोटा भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि अच्छी गली गलाई तैयार हो जाती है। और यहाँ मैं इसमें हरा मसाला काट के डाल दिया, और फिर उसके बाद बाकी के लवाजमात भी तैयार कर लिए, बॉयल राइस और सैलड। सैलड तो भाई दाल चावल के साथ मस्त है, एक सैलड दाल चावल और अचार गर्मियों का लजीज तरीन खाना हो चुका था तैयार। और मेरा दाल चावल प्लेटर भी तैयार था, इसका शॉट ज़रूर आपने मेरी चैनल पर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। और ये ज़बरदस्त दाल चावल प्लेटर तैयार है, इसमें अचार तो भाई मस्त है, बगैर अचार के तो दाल चावल का तो मज़ा ही नहीं है। और साथ में हो बॉयल्ड राइस और ये सैलड और पापड़ मैं शौक से नहीं खाती, लेकिन बहुत से लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो इट्स अ यमी मील फॉर समर। 3 hours later बच्चे सो चुके थे, सो के उठने ही वाले थे, और ये हो रहा था असर का वक्त। यहाँ कूलर में मैंने ठंडा थार पानी बना के रखा हुआ है और चिल वाटर तो गर्मी भगा देता है बस। तो यहाँ पे जनाब बस पूरा है असर का वक्त, बस सूरज डूबने ही वाला है, तकरीबन सूरज डूबने ही वाला है।
1 hour later. मगरिब होने वाली है और ये मेरी आवाम अभी तक सो रही है, लगता है कोई इनका उठने का इरादा है भी नहीं। तो यहाँ बच्चे उठ चुके थे, A few moments later. अरे ये क्या शॉपर्स में क्या है, कौन सा कुर्ता? जी हंजनात, ये है फालसा। तो मुझे करीब पता चला कि इसको हुर्फ़े आम में कहा जाता है इंडियन शरबत बेरी। शरबत बेरी नहीं, ना ब्लू बेरी ना कैरन बेरी, इंडियन शरबत बेरी है। और साथ साथ है चीकू चीकू। और तो हमारे बच्चों को एक और मकसद मिल गया कि खाएंगे और फिर इसको दबाएंगे। खाएंगे तो नहीं, लेकिन सीट ज़रूर जमा करेंगे इसको मिट्टी में दबाने के लिए। तो बस जनाब यहाँ पे साथ साथ ही बन रही थी चाय, चाय बन रही थी ज़बरदस्त सी हल्की। आज पे बनी हुई चाय का तो मज़ा ही ज़बरदस्त होता है। 2 hours later यहाँ मेरी आम की खट्टी मिट्टी सी लॉन्जी भी तैयार हो चुकी थी। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके पास शेयर कीजिए कि ये रेसिपी नहीं देखी तो, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखिएगा। 2000 years later बस ये खाना ना खा लिया था बच्चों ने, और बस ये रात के बज रहे थे 11 और इस वक्त बच्चों के चाचू लेकर खेल रहे थे बच्चों के साथ क्रिकेट और बैडमिंटन। और सब बच्चे बड़े ही खुशहाल मगन और मस्त थे और मसरूफ़ थे खेल में बहुत ही ज़्यादा, और बहुत इंजॉय कर रहे थे। हत्ता कि जो छोटे वाले बच्चे हैं वो भी सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी मसरूफ़ हो गए खेल में, क्योंकि अभी सन्नाटा हो रहा था, कोई गाड़ी शाड़ी कुछ नहीं थी और पूरी गली में इनका ही राज था। वो देखो माश माशाल्लाह बैट वो बैट फुटबॉल से क्रिकेट खेलेंगे। सुफियान सुफियान ऊपर 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 मेरा बाय बाय। बाय बाय हो गया था सोने का वक्त। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।